दिन हूँ चमकी बीमारी स्क्रीनिंग कैब में, और बहुत गर्मी है, बच्चे जो हैं बहुत से ऐसे आ रहे हैं और बहुत से क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहे हैं कि सिर्फ क्या लीची खाने से चमकी बीमारी हो रही है। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहूँगा कि लीची एक फैक्टर हो सकता है, लीची खाने से चमकी बीमारी नहीं होती है। लीची एक फैक्टर हो सकता है, लीची में एक टॉक्सिन पाया जाता है जिसको कहते हैं मिथिलीन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। अगर बच्चा सिर्फ दिन भर लीची खा लेता है और रात में कुछ नहीं खाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज लेवल कम होने के चांस रहते हैं, उसकी वजह से झटका आ सकता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोगों को ये लग रहा है कि ये वही है, तो चाहे बिहार का चमकी बीमारी हो, चाहे यूपी का जापानी बुखार हो, चाहे केरल का इनकेफ्लाइटिस निपा वायरस इनकेफ्लाइटिस है। बच्चे सबसे ज़्यादा सरकारी अव्यवस्था की वजह से मर रहे हैं। डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, और एक एक बेड पे दो दो तीन तीन बच्चे हैं। ये एक तरह से जानवरों की तरह से उनको रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर आज़म है, ये जफर साहब हैं इंसाफ मंच के, जिन्होंने ये पूरा अरेंज किया है। डॉक्टर आशीष गुप्ता ये सिवान से आए हुए हैं, सर आपका नाम भूल जाता, अरशद अंजुम ये यहीं मुजफ्फरपुर के हैं, और डॉक्टर नौशाद गोपालगंज से आए हुए हैं। एक मिनट में वापस आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ, दो मिनट बैठ जाइए, आ जा रहा हूँ मैं। ये कैंप हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, और एक मिनट बेटा, दवाइयाँ यहाँ पे मिल रही हैं, दवाइयाँ कुछ बहुत से लोग कह रहे हैं कि मदद करने के लिए पैसा भेजने के लिए, पर मैं पैसा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग फिर गाली देने लगते हैं कि उनको भरोसा नहीं रखता है कि गलत जगह कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं उनसे यही बस गुजारिश करूँगा कि आप जो अगर चाहते हो मदद करना तो आप दवाइयाँ भेज दो, दवाइयाँ हम लोगों के पास कुछ कम पड़ जा रही हैं। तो ये जो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हैं कुछ NGOs ने दिए हैं, कुछ लोगों ने दिए हैं। क्या हुआ अम्मा, दवा मिली आपको? इसका वो कहाँ गई बच्ची, कहाँ गई आकांक्षा हैं? अकेले कौन? इसको क्या हुआ है? इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, ये दो लड़कियों को चुना के आए जो नहा धो के और ये लगा के आई हैं। हैं किसने लगाया है? हैं शैम्पू नहीं लगाई हो, लो पकड़ो। आए एक मिनट लाइव बना लूँ मैं, इन लोगों को दुना गया। देखो स्वच्छता भी, स्वच्छ रहना भी बहुत ज़रूरी है। वो और यहाँ पे नंबर लग रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है जितने पेशेंट जो है शाम तक आ सकें उनको देखा जा सके। वो आकांक्षा मिली नहीं, इधर आओ। कितने दिन हो गए इसको नहलाए हुए? है ही नहाया है, कहाँ नहाया लग रहा? अरे देखो बाल देखो कैसा हो गया है, तुमको सुई लगेगा, तुम नहाते नहीं हो हैं? आज जमीन पे देखे, अभी चमकी बीमारी फैला हुआ है ना, समझ रही है ना, अभी जमीन पे बचाइए, घर में रखिए, नहलाइए दो बार। 150 बच्चे मर गए आपके मुजफ्फरपुर में, आप लोग खबर है? खबर है आप लोगों को? अम्मा आपको पता है 150 बच्चे मर गए हैं? हैं क्या हुआ? हाँ सियाना आदमी लू लग के मर रहा है, छोटा बच्चा चमकी बीमारी हो जा रहा, और चमकी बीमारी उसी वजह से हो रहा है जिसे गंदगी से
बच्चों को पानी कमी से ग्लूकोज पिलाइए, ढेर सारा ORS देंगे वो पिलाइए जो है। और अगर कोई भी बच्चे को समझ रही हैं, इधर देखो, अगर किसी भी बच्चे को बुखार हो, ठीक है, अगर बच्चा अकबक बात कर रहा है, अगर बच्चा जो है आपका खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर रहा है, बेहोशी की तरफ जा रहा है, सामान फेंकने लगा है, चिकोटी काटने लगा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो पहले नहीं करता था, तो समझ जाइए चमकी बीमारी हो सकती है, झटका आ सकता है। तो उसके लिए आपको यही करना है कि पानी पिलाना है ढेर सारा, समझ रही है ना, पानी पिलाना है, उसको दो दो बार नहलाना है, शरबत पिलाइए, नमक चीनी पानी का घोल पिलाइए। और कोई भी ऐसा लगे कि बुखार हो गया है, बच्चे को जो है बच्चा अकबक बात कर रहा है, कुछ आपको उसके बिहेवियर में यानी व्यवहार में आपको अलग सा दिखाई दे रहा है, चिकोटी काटने लगे, समझ रहे ना, ऐसे चिकोटी काटे हैं, चिंगोटी काटे, मारने लगे, सामान फेंकने लगे, कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो फौरन जो है ASA ANM को बात करके या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जाइए, तभी जान बचेगी, समझ रही अम्मा, अम्मा समझदार हैं, अम्मा बताएंगी। लू से भी 200 लोग मर गए हैं, आप बता देंगी सबको, क्या आप बताएंगी, बताइए, फिर से हम बता रहे हैं अम्मा, फिर से बता रहे हैं, बुखार आए, समझ रही हैं, बुखार आए, उल्टी करे, सुस्त हो जाए बच्चा, खाना पीना छोड़ दे, उल्टी ज़्यादा करे, लैटरीन ज़्यादा करे, अकबक बात करने लगे, जैसे मान लो कोई कह रहे हो तो कमलेशवा था या पुराना भूत प्रेत की दिखाई देने लगा, झटका आ जाए, शरीर अकड़ जाए, बेहोश होने लगे, समझ रहे हैं, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना है। और उसके बचाव के लिए सरकारी अस्पताल में जाकर टीका लगवाना है, सबको टीका लगा है, जापानी बुखार वाला टीका लगवाया है सब लोगों ने, समझ रही अम्मा, गांव में बोलिएगा टीका लगवाए सबको, देखो ये कहाँ नहाया है, बाल देखो, तुम नहाया नहीं हो, हाँ सुई लगेगा, दो सुई लगेगा तुमको मोटा मोटा, इधर देखो, नहाओगे ना, रोज नहाओगे, कितनी बार हैं, रोज नहाओगे, हाथ मिलाओ, कहो हाथ, ये वाला मिलाओ, वो वाला मिलाओ, क्या नाम है आपका, बच्चा रो रहा है, नहलाना बहुत जरूरी होता है, अब नहलाते नहीं है, जी जी जी, हाँ ये आपका लाइफ चल रहा है, यहाँ से बस फिनिश करना होता है, जब करना होता है होता है,
जिससे बच्चों के पास जो वाटर रिजर्व रहता है दोनों की तरफ मसल्स में जो है स्किन से हीट चली जाती है, जब हीट चली क्या हीट से वाटर चला जाता है वाटर रिजर्व, तो इनको पानी की कमी हो जाती है। तो लू लगने का ये मतलब नहीं कि धूप में ही सिर्फ रहता कि लू लगे, लू लगने का मतलब है अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में बिना पानी के रह रहे हैं, बच्चे जो है खेलते खेलते चार चार पाँच पाँच घंटे पानी नहीं पीते हैं उसकी वजह से हो जाता है, इसको पानी की कमी हो रही है। माँ शरबत पिलाइए, दो बार नहलाइए, ठंडी में रखिए, छायादार में, धूप में मत भेजिएगा दो तीन दिन तो बिगड़ेगा ही। ये ऑरेंज जो है कम से कम तीन चार तो खिला दिए, तो उसमें दवा की जरूरत नहीं होती है, बुखार होगा जाने के बाद नहीं जा रहा तो बुखार दिलवा दे उसको, बाकी और कुछ देने की जरूरत नहीं होता है। हम ORS भी अवेलेबल करवा रहे हैं, जितनी दवाइयाँ अभी लगी हैं सब अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ थर्मामीटर जो है दिल्ली के एक अभिषेक सिंह हैं और हमारे पटना के गौरव साहब हैं, कल सुबह तक उन्होंने कहा है कि 100 थर्मामीटर वो भेज देंगे, तो हमारे पास 100+100 थर्मामीटर हो जाएगा। तो कल से हम कोशिश ये करेंगे कि हर माँ बाप को एक थर्मामीटर भी फ्री में दें, ताकि वो घर पर ही डिजिटल थर्मामीटर से नाप सके बच्चों का बुखार, और बहुत तेज बुखार हो जाए तब वो डॉक्टर करें। ये तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अभिषेक सिंह और गौरव शर्मा के दोनों जी को धन्यवाद देता हूँ, इसमें अच्छे काम में मिलता हूँ। एक दवा दे रहे बुखार की, जब बुखार होगा तो पहले नहलाएंगी, पानी पिलाएंगी, पर्दे में रखेंगी, 15 मिनट बाद फिर ला देंगे, इसको दिखाना है क्या इसमें साइड हो गया, ऐसे भीड़ अपने मत लगाइए, खाली है तो पूजा लगी इधर आ गया, अंदर को बोलो, बोलो अंदर को जो कमी अंदर को बोलो, पेशाब करना जो है ये बहुत बड़ा साइन होता है कि बॉडी में पानी की पर्याप्त, तो अगर ऐसा कोई बच्चा जो शिकायत करे सर दर्द है बुखार है तो उसको पेशाब है, क्योंकि अगर वो 4-6 घंटे जब पेशाब कर रहा है तो वो नॉर्मल है। पेशाब में कमी, पेशाब करते वक्त जलन होना, पेशाब कम करना, पेशाब जो है देर से करना 8-10 घंटे में नहीं करना, ये सब साइंस है, इसका लक्षण है कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है, बच्चा जो है किडनी से भी साथ साथ पूरे शरीर पे भी पड़ रहा है। तो कोई भी बच्चा अगर ऐसा है तो उससे हम जो पैरामीटर देख रहे हैं बच्चे को पेशाब कर रहा है दूर हो रही है और जो है उसको पेशाब के लिए उठ रहा है या फिर जो है सुबह उठकर अगर पेशाब करने को मिल रहा है।
यही बात कह रहा था, बच्चों को काजल सब लोग लगा देते हैं और एक लाख जो आँखों में कम रोशनी कम हो गई है हो जाती है भारत में हर साल काजल लगाने की वजह से। गांव में आप घूमिएगा और खासकर जो गांव में साप्ताहिक मेले लगते हैं या फिर जो मार्केट होती है मैंने देखा है जमीन पे जो है एक शीशा और जो है वो काजल का जरूर रखा रहता है हर दुकान पर। सारे बच्चों को माएँ काजल लगाती हैं, ये सुन लिया कि शाहजहाँ निकला और हम घूम लेते हैं। हम बहुत अगले कई सालों से गांव में खोज रहे हैं, शाहजहाँ मिल नहीं रहे हैं, सब गांव में चले गए। तो काजल में लगाइए, अगर लगाना है तो यहाँ लगाइए। चलो इधर, अब ये बच्चा है उसको बुखार हुआ है और ये चिड़चिड़ा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, खेल अभी तो खेल रहा है, थोड़ा ठंडे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ये समझिएगा कि जैसे जानवर 45 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होता है कुछ जानवर जो है ज़मीन के अंदर पानी में जाके छिप जाते हैं, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। ऐसे ही बच्चे जो भी बच्चे जो हैं 28 दिन से लेके 5 साल तक के बच्चे जैसे ही 45 डिग्री टेम्परेचर होता है खाना छोड़ देते हैं, लिक्विड पे ज़्यादा रहते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, उनको बुखार आ जाता है, रोते ज़्यादा हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बच्चों को नहलाना है, ठंडे में रखना है, 10 बजे से 5 बजे तक धूप में नहीं बाहर रहना है, और जो है खाने के लिए जिद नहीं करना। ये मत कहना कि मेरा भैया कहाँ नहीं रहा खाने है। अनंत कुमार है ना, आती है ना, आइए सर के पास, वो सर के पास आइए। अनंत कुमार सर बंद कर दे, नहीं नहीं कहाँ जाओ, उस सर के पास आओ, यहाँ सर वही रुकिए, वही रुकिए, वो सर से निकल आइए सर। अगर हम दोबारा चेक करेंगे तो डॉक्टर साहब उसको जाँच ही लिख दिए हैं, डॉक्टर साहब तो फिर जाँच ही कहाँ होगा। मैं डॉक्टर थोड़ा सा साइड हमको ले लें। अच्छा ठीक है, आप लीजिए, आ जाओ बेटा, इसका देखिए ना आप, ये जो है नंबर दे देंगे आप, जो पैसा होगा आप लोग दे देंगे, ठीक है। आप उसको आप अभी जाँच हम करवा दे रहे हैं, आपको दवा देकर आप अपना ट्रीटमेंट ना जाँच करा के इनको भेज दिखा दीजिएगा, ये हमको व्हाट्सएप हम कर देंगे, इसको नहलाती नहीं है अम्मा, क्या नाम है आपका, हैं? कुसुम देवी, क्या खुशबू देवी, और बच्चों का अंश कुमार, उसका पंकज कुमार, अंशु कुमार,
तो नहलाती नहीं है तीनों को? नहलाती है रोज? रोज नहाए जाए शाम के साथ। खेल खेल शाम को हुआ है। लो कोल्ड ड्रिंक लो। सुनिए इधर सुनिए, दो बार नहलाना है ठीक है? कितनी बार? तीनों टाइम चारों टाइम नहाते हैं पोखरा में घरे? अच्छा हाँ तो ठीक है नहलाए हैं। ए लड़ती हो? हाँ तो मैं कह रहा था कि हमें दवाइयाँ तो हमारे पास कुछ लोगों की सहायता मिल रही है। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि कुछ आपको पैसे की ज़रूरत है तो क्राउड फंडिंग कर दें। अभी ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है, कुछ एनजीओज मदद कर रहे हैं। और हाँ दवाइयाँ हमारे पास कमी हो गई है, डॉक्टर्स जो हैं वो फ्री में सेवा दे रहे हैं। जो लोकल डॉक्टर्स आए हैं चाहे सिवान से, गोपालगंज से, और जो यहाँ मुजफ्फरपुर के भी हैं और जो मेरे साथ आए हैं डॉक्टर आजम, वो सब लोग कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। और जगह का इंतज़ाम हम लोग खोज करके सरकारी जगह पे जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। ऐसा तो अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो बताएंगे। दूसरे मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है इसको कमेंट के बजाय शेयर करें, लोगों को बताएं। जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं बिहार के लोगों को और यूपी के लोगों को या फिर कहीं भी जो यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, कि बीमारी के क्या लक्षण हैं और कैसे बचा जाए। ये सिर्फ हम कितने लोगों से मिल पाऊंगा मैं और कितने लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊंगा। आप खुद अगर आप मुझे मानते हो, अगर आप मुझे प्यार करते हो, अगर आप ये समझते हो कि आप मेरे साथ हो, तो आप खुद डॉक्टर कफील बन जाइए। आप खुद डॉक्टर कफील का मैसेज दूसरों तक पहुंचाइए। खुद ये सोचिए कि आपका बच्चा एक भी अगर जान बचाई जाए, एक भी अगर आप जान बचा लेते हो, तो शायद ये मतलब इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। रोना आता है देख के। कल मैं जिस तरह से श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में हालात हैं, जानवरों से भी बदतर तरीके से लोगों को रखा गया है। सरकार सही में अंधी गहरी गूंगी बहरी हो चुकी है और लोगों को एक बड़े से हॉल में 200 लोगों को इस गर्मी में रख देना, तो बच्चे तो शायद अगर बीमारी भी ना हो तो मर जाएं। उनको बच्चों को तो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी है, तो शायद हमें जागने की ज़रूरत है। और कोई भी अगर हम यहाँ पे अभी मुजफ्फरपुर में हैं, मैसेज इतने 4-4, 5-5 हज़ार मैसेज आ रहे हैं, मतलब इसमें पेज पे तो शायद पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं पढ़ूँगा और रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और अगर आप कोई ऐसी मैं बातें करना चाहते हैं, इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेंजर पे और या डायरेक्ट मैसेज करके मुझे मैसेज कर दें, तो मैं उसको तो करीब करीब पढ़ लेता हूँ और मैं आप शायद मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।